दोस्तों, मेरा यूनी का ये कार्ड आया है और ये थोड़ा सा यूनिक ये काम कर रहे हैं यूनी वाले। थोड़ा सा अच्छा बॉक्स दिया हुआ है, पैकिंग अच्छी है, तो लगता है कि थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं कस्टमर्स को। और ये इनकी बड़ी फास्ट सर्विस है। मैंने 20 तारीख को अप्लाई किया था, 20 अप्रैल को, सॉरी 20 मई को, और ये आज 22 मई है और ये आ गया, रिसीव हो गया मेरे पास। तो बड़ा अच्छा लगता है जब कस्टमर को इतनी प्रायोरिटी पे काम करके देते हैं ना, तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ता है कि हाँ अच्छी कंपनी होगी। चलिए इसको ओपन करते हैं, अंदर क्या है और इन्होंने कैसी पैकिंग दी है। ये बॉक्स यूनी का अंदर दिख रहा है, इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा बॉक्स। कार्ड में बॉक्सेस बहुत कम आते हैं, वैसे लिफाफे में ही आते हैं, बट इन्होंने कार्ड में दिया हुआ है अनलाइक अदर कार्ड्स। यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल, सॉरी डिजाइन इन इंडिया लिखा हुआ है। तो बड़ा सा यूनिक सा एक तो इन्होंने ये बॉक्स दिया हुआ है। और यूनिक की सबसे अच्छी एक बात यह है कि इन लोगों ने 1/3 पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, कि अगर आपने 9,000 का टोटल बिल आया है तो आप उसमें सिर्फ सिर्फ 3,000 इस महीने पे करिए, 3,000 नेक्स्ट मंथ, 3,000 नेक्स्ट मंथ, और विदाउट एनी चार्जेस। तो ये कॉन्सेप्ट इनका अच्छा है। मेरे पास और भी कार्ड्स हैं, बट यूनी को मैं ट्राई करना चाहता था, इसलिए मैंने अप्लाई किया था। चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इन्होंने किस तरह की पैकिंग और क्या अंदर डाला हुआ है। तो इसके अंदर ये एक कार्ड है, से हेलो टू योर यूनी कार्ड, और इसमें लिखा हुआ है फ्लिप ओवर फोर डिटेल्स। डिटेल्स हैं इसमें काफ़ी सारी, इन्होंने जो लिखा हुआ है जो भी वो सारा है इसमें, ठीक है। SBM बैंक से इनका कॉन्ट्रैक्ट है और उसी के थ्रू ये कार्ड में जो भी अमाउंट होता है वो रखते हैं। ये कार्ड है और इस तरह का कुछ कार्ड है, तो अच्छा है वैसे, कलर भी अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छी है, और पीछे जो डिटेल्स होती हैं कार्ड नंबर वगैरह वो शायद पीछे सब दिया हुआ है। कार्ड को रखते हैं एक तरफ और अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है। ये एक कार्ड रखने के लिए जो है वो है, और ये क्या है, टॉप ड्रोन ऑफ स्विट्जरलैंड, चॉकलेट है। छोटी छोटी चीज़ें कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, फिर अच्छा है, मतलब लगता है कि हाँ ठीक है, कंपनी कस्टमर को थोड़ा सा ना एक प्रायोरिटी पे रखती है, और जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा लग रहा है। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डाली हुई है, बाकी कंपनियाँ चाहे कोई भी कंपनी हो, ये सारी चीज़ें नहीं, छोटी छोटी चीज़ें ऐसे नहीं देती है। ये क्या है, योर बिग बिग योर बैक टैग, तो ये बैग में लगा सकते हो। फिर ये टैग दिया हुआ है, आपके नाम का टैग डाला हुआ है, ये यूनी यहाँ पर डाला हुआ है, सौरभ कुमार से ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये टैग है नाम का कस्टमर के, और ये क्या है, इधर भी कुछ दिया हुआ, मैंने इसको ओपन किया था। तो ये है मास्क जो यूनी की तरफ से दिया गया है, है यूनी का जो उन्होंने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं साथ में। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी यूनिक सी चीज़ें की हुई है उन्होंने कस्टमर्स के लिए। और अगर कस्टमर और अगर कोई कंपनी आपको ये छोटी छोटी चीज़ें देती हो, तो उसको कस्टमर सेंटर कंपनी है एक बात माननी पड़ेगी, और कस्टमर्स के लिए वो कस्टमर को ध्यान में रख करके चीज़ें कर रही है, अच्छी कंपनी है शायद। देखेंगे कार्ड यूज़ करेंगे उसके बेनिफिट, और कार्ड यूज़ करने के बाद पता चलेगा। मेन चीज़ तो वही है, बाकी ये सारी चीज़ें तो ठीक है, अच्छी है अगर कंपनी प्रोवाइड कराती है सब चीज़ें तो अच्छा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर यूनी कार्ड के बारे में कुछ भी जानना समझना है तो कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।